संदिग्ध परिस्थितियों में दो युवक घायल, सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर, बच्चों को लेकर हुआ था विवाद। खबर सुल्तानपुर से है, जहां आज दिनांक 30 जुलाई 2020 को पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सुल्तानपुर के द्वारा थाना क्षेत्र गोसाईगंज अंतर्गत ग्राम हयात नगर में प्रथम पक्ष के एक जीशान पुत्र इरशाद उम्र 21 वर्ष आदि व द्वितीय पक्ष के शादाब पुत्र शफी अहमद उम्र 24 वर्ष आदि के मध्य बच्चों की शरारत को लेकर विवाद व मारपीट हो गई, जिसमें जीशान व आबिद चोटिल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। लगी चोटों के बाबत डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि यह फायर आर्म इंजरी नहीं है। दोनों पक्षों से 12 लोगों को हिरासत में ले लिया गया, मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। कुछ नहीं थी सर, लड़ाई झगड़ा हुआ था छोटे छोटे बच्चों में, उसके बाद हम यहाँ के एप्लीकेशन दिए, फिर यहाँ से जा रहे थे तो रास्ते में छेक लिए, हमको दौड़ा के गोली मार दिया, घर में घुस के हत्था चलाए और लाठी डंडे से भद्दी भद्दी गाली दिए। शादाब हैं इसमें मारने वाले, कदीर हैं और हसीर हैं और दानिश हैं, सलगाम हैं, आफ्ताब हैं, इन सबके हाथ में पिस्टल उस्टल थी। उसके बाद पहले कह रहे थे किस चीज़ से मारे, इतना ध्यान से नहीं हम देखे हैं, अब पता नहीं क्या था लेकिन मारे हैं। यहाँ एक छर्रा लगा हुआ है इसमें, थोड़ा झंझट मारपीट किए थे और उसके बाद दरवाजे पे आए। कौन कौन लोग थे जो लोग आए? ये जीशान और असगर, अरे कई आदमी थे, करीब 7-8 आदमी थे। उसके बाद फिर ये लोग जो है गाली गलौज दे के ईटा पत्थर मारने लगे, फिर फायर किए। कौन फायर किया? और वही जीशान किया। तो किसको लगी है? लगा किसी को नहीं, हमारे में किसी को नहीं लगा। वो लोग जो है 3-4 फायर किए भाई, हम लोग तो घर के अंदर घुस गए तुरंत जब फायर होने लगा। उसके बाद तीसरा व्यक्ति रुखसार आके जो है वो भी गाली गलौज धमकी करने लगा, मारो साले को जान से मार दो। उन्हीं लोगों में से लगा और उन्हीं सबके अपना उन्हीं सबका लगा।